देवघर में जिला परिषद की गतिविधि दोबारा शुरू हो गई है। इस बाबत देवघर जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी की अध्यक्षता में विकास भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा सभी सदस्य मौजूद रहे और जिले में लंबित पड़े कार्यों को रफ्तार देने पर मंथन किया गया। कि ये हमारा जिला परिषद का बैठक आचार संहिता के बाद पहली बार हुई, काफ़ी बीच में दूरी रही और हमारे जो भी नए DDC साहब आए हैं उसकी अध्यक्षता में हुई बैठक शांतिपूर्ण हुई। इसमें सभी हमारे माननीय सदस्य थे। इस बैठक में सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण योजना अभी है, इस भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल स्वच्छता विभाग पर बहुत चर्चाएँ हुई। पानी की समस्या हर एक क्षेत्र में है और अभी हमारे राज्य के द्वारा कुछ ऐसा निर्देश दिया गया है कि विधायक के द्वारा अनुशंसा करके 10-10 चापानल देना है, जिसमें हमारे सभी माननीय जिला परिषद सदस्यों ने निर्णय लिया और प्रस्ताव भी पारित किया कि हम जिला परिषद के सदस्य भी अपनी अनुशंसा देंगे और हर एक क्षेत्र में जहां पानी की असुविधा है उसको कराने का कार्य करेंगे। इसके लिए चिट्ठी हम लोगों ने पंचायती राज को लिखने का निर्णय लिया है और जल्द ही वो लिख। धनबाद जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार प्रसाद ने धनबाद के हीरापुर हटिया में कई किराना दुकानों, मछली पट्टी, चिकन मार्केट में औचक निरीक्षण किया और खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्रित किए। कुछ समय के लिए दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ दुकानों में एक्सपायर ब्रांडेड मसाले की बिक्री हो रही थी, जिस पर उन्होंने व्यवसायियों को कड़ी फटकार भी लगाई और हिदायत देते हुए कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश दिया। जांच में पाया गया कि जो यहाँ हीरापुर हटिया एरिया में मैक्सिमम किराना दुकान है, मिठाई दुकान, उनका लाइसेंस या तो बनाया ही नहीं है या तो एक्सपायर हो चुका है। इन सबको निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर फूड लाइसेंस लेंगे। कुछ एक्सपायर मटेरियल भी देखने को मिला? हाँ, दुकान में कुछ दुकान में एक्सपायर मटेरियल देखने को मिला है, तो उन सबको निर्देश दिया गया है कि वो एक्सपायर मटेरियल के लिए अलग काउंटर बनाएंगे और जो एक्सपायर सामान को बाजार में नहीं। दुकान में क्या मिला जाता है? इस दुकान में हम लोगों ने सैंपल उठाया है MDH मसाला का, एक्सपायर मसाला भी मिला था MDH का, तो हमने कहा है कि अलग काउंटर बनाएंगे और उसको अलग करके रखेंगे और बाजार में नहीं बेचेंगे। और मीट मुर्गा की दुकानें भी जो बिक रही है, क्या लाइसेंसी है वो लोग? मीट मुर्गा की दुकान में एक दो दुकान का लाइसेंस वैलिड है, बाकी सबका लाइसेंस फेल हो चुका है, तो हमने निर्देश दिया है उन्हें कि एक सप्ताह के अंदर आके फूड लाइसेंस अपना बनाएंगे। धनबाद में सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर लोगों में आक्रोश दिख रहा है। धनबाद जिले के पूर्वी टिंडू प्रखंड क्षेत्र के पोखरिया से जामताड़ा की ओर बन रहे NH 419 सड़क निर्माण में भारी अनियमितता दिख रही है, जिसका ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया। ग्रामीणों ने इंचार्ज पर आरोप लगाया कि जब गलत कार्य का विरोध किया गया तो इंचार्ज मारपीट करने लगा और केस दर्ज करने की धमकी देने लगा। ये तो सरासर गलत है, वो रोंगदारी दिखा के यहाँ काम करके भाग रहा था, तब ग्रामीणों ने विरोध किया। बिना देरी का यहाँ काम चल रहा है, हम लोग खुद आके काम को रोके। अभी बता रहा है समय थे कि दो इंच हमको डालना है, वहाँ 2 इंच का जगह 1 इंच डाला नहीं जा रहा है। यहाँ पर रोड निर्माण कार्य में भारी अनियमितता किया जा रहा है। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा बोलने पर जबरदस्ती रोड निर्माण कार्य किया जा रहा है और बहुत ही कम मात्रा में माल लेकर यहाँ पर रोड का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा बोलने पर जबरदस्ती कार्य किया जा रहा है। क्या गड़बड़ी? बहुत ही पतला बनाया जा रहा है रोड को, मोटाई बहुत ही कम है, रोड की मोटाई बहुत कम है, जो पिच किया जा रहा है वो बहुत ही पतला पिच दिया जा रहा है। इसमें ग्रामीण फोन किए हमको, हम धनबाद में थे, आए तो जब तक हम आए तब तक ये काम करके बढ़ चुका था, तो फिर से वहां जाके बोले हम लोग, तो ये लोग जब बोले ग्रामीण को बोलने के लिए, तो ग्रामीण जब बोले तो ये लोग को रंगदारी से बात करने लगा कि तुम लोग हाँ कलर उलर पकड़ा होगा, देखे नहीं हम नहीं बता रहे हैं जो भी ग्रामीण बोल रहे हैं, और ग्रामीण को बोल रहा है कि रंगदारी कैसे फंसा देंगे, ऐसे करके काम करके अपना निकल जा रहा था। अनुभव हुआ हम कार्यस्थल पर जब पहुंचे तो ये बोला कि 2 इंच हमको काम करना है, 2 इंच ये पिचिंग है, 2 इंच पिचिंग नहीं, 1/2 इंच भी पिचिंग नहीं, अपना सामने देख लीजिए। हम रोके, फिर हम जो इसका जो कार्य जो कर रहे हैं, जो संपादक है उसका आदमी से बात किए, तो वो फिर से काम शुरू किए हैं, आगे से काम कर रहे हैं।
नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।